भारतीय टीम को मिल गया दूसरा सूर्य कुमार यादव, जो कि सूर्य कुमार यादव का भी बाप है। दोस्तों 100% हारे हुए मुकाबले को भी चौके छक्कों से जिता दिया करता है। आप भी देखना चाहते हो आखिरकार ये दूसरा सूर्या कौन मिला है भारतीय टीम को? इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों IPL 2023 का पांचवा मुकाबला मुंबई इंडियंस और RCB के टीम के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई की टीम ने पहले ही ओवर में अपने 2 विकेट गंवा दिए, जिसमें ईशान किशन आउट हो गए। उसके बाद 20 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए और फिर सूर्य कुमार यादव 48 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद भारतीय टीम को मिल गया दूसरा सूर्य कुमार यादव। आप कह सकते हैं ये तो सूर्य कुमार यादव का भी बाप है, जिसका नाम है तिलक वर्मा। दोस्तों सभी खिलाड़ी एक एक करके आउट होते चले गए, मगर इस खिलाड़ी ने अकेले ही दम पे मुंबई के टीम जहां पर 80 रन पर ऑल आउट होने वाली थी वहीं से 171 रन तक पहुंचा दिया और 46 गेंदों का सामना किया। तिलक वर्मा ने RCB के खिलाफ 9 चौके लगाए और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से नवादा 84 रन की पारी खेल डाली। हालांकि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, मगर दोस्तों हार के बावजूद भी तिलक वर्मा ने दिल जीत लिया। क्रिकेट फैंस का दोस्तों इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।